आपका स्वागत है इस चैनल में जो कि टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क, और मैं हूं प्रवीण चौहान। तो दोस्तों, ये वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर है उसके ऊपर बना रहा हूं, और आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैं कोशिश करता हूं उन्हें लेने की और उसका जवाब देने की, और ऐसे जवाब देने की कि आप उससे संतुष्ट हो जाएं। तो अगर आपके भी कुछ सवाल जवाब हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें भी आपके सवाल का जवाब हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन ये टी शर्ट चेंज कर लें क्या? कर लेते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले सवाल लेते हैं, कैसी लगी टी शर्ट? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें साथ में, और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहला, अरे यार, ये ऑल इन वन टी टेट, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रूपम सेन, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि ये लोग इस चैनल के साथ और मेरे साथ हमेशा बने रहे हैं। और इनका मैसेज है एक तरह से कि बहुत दिन बाद आपका वीडियो आया है, सर आप कैसे हैं? तो ऑल इन वन टेट, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हालचाल पूछा कम से कम कि मैं कैसा हूँ। तो मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वापस एक बैंक के साथ वापसी कर सकूँ। और रूपम सेन जी ने कहा है कि नाइस वीडियो, थैंक्स मिस्टर प्रवीण। तो रूपम सेन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चैनल के साथ और मेरे साथ आप हमेशा बने रहें। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान आधार का जो क्वेश्चन है, उन्होंने बोला नाइस एडिटिंग। ये दोस्त, मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छी अच्छी एडिटिंग करने की, जैसा भी आपने देखा कि ये एक इसकी ट्रिक थी, तो मैंने इसको भी किया। और मंजर इमाम लिखते हैं कि इसका प्राइस कितना है? तो दोस्त, अभी जो रियल मी 3 प्रो आया था, आपने शायद वीडियो पूरा नहीं देखा, उसमें उसकी प्राइस भी बताई गई थी। 4 GB रैम का आता है वो, 64 GB स्टोरेज के साथ आता है, उसकी प्राइसिंग रहेगी 14,000। और जो 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ आता है उसकी प्राइसिंग रहेगी 17,000। और मेरे ख्याल से 29 तारीख से ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, तो प्लीज़ चेक ज़रूर कीजिए। और अभी से अगर रजिस्टर कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको जल्दी फ़ोन मिल जाएगा। फ़ोन बहुत अच्छा है। हैरिस गेमर पूछते हैं कि डी यू में क्या विथ ऑडियो रिकॉर्ड होती वीडियो या नहीं? तो डी यू में ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड होती है, जैसे वो रिकॉर्डर भी है, तो लाइव जब आप करते हैं तो आपकी दोनों ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ जाता है। गेमिंग विथ रिजवी ने लिखा है कि थैंक्स सर, आपके चलते मैंने आज से लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दिया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आज ही 20 सब्सक्राइबर भी हो गए। वाओ, देखा, थैंक्स गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लॉट्स ऑफ लव। तो रिजवी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर की। जैसा मैंने लिखा था कि जल्दी से 20 सब्सक्राइबर से 20K, मतलब 20,000 सब्सक्राइबर, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएँ। और मैंने देखा था आपका चैनल, तो अभी 4 वीडियो हैं, तो आप और वीडियो बढ़ाइए और लगे रहिए, आप जरूर सक्सेसफुल सफल होंगे। ऑल द बेस्ट। झांसी स्टडी, इन्होंने लिखा है, सर मेरे में लाइव क्लास लेते टाइम कमेंट्स बहुत लेट आ रहे हैं, क्या करूं प्लीज़ सर, रिप्लाई मी। तो झांसी स्टडी, तो मैंने जैसे कि आपको सोल्यूशन भी दिया था कि देखिए इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम का गैप तो होता है, क्योंकि लेटेंसी जो रहती है, मतलब आने जाने की जो इसकी स्पीड रहती है वो थोड़ी सी कम रहती है, थोड़ा लैगिंग आती है उसमें, तो आपके सवाल जवाब में थोड़ा अंतर आएगा ही। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप पे जो भी क्विक वाली जो चीज़ें हैं वो आप करके सवाल ले सकते हैं और उसका जवाब आप लाइव दे सकते हैं, या फिर और मेरे ख्याल से यही तरीका सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ट्विटर और फेसबुक पे जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, तो व्हाट्सएप सबसे अच्छा रहेगा। आप व्हाट्सएप नंबर दे के सवाल लीजिए और उसका जवाब आप लाइव दे सकते हैं, क्लास आपकी बहुत अच्छी चलेगी। 9XM, इन्होंने लिखा है कि भाई आपकी आवाज़ सलमान खान जैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, खैर मेरी आवाज़ सलमान खान जैसे तो नहीं है, खैर थैंक यू वेरी मच। अभिलाष कुमार PS ने लिखा है, इन्होंने, मेरा फ़ोन में परमिशन नहीं आ रहा, ये सब DU के ऊपर क्वेश्चन है,
तो इनका परमिशन क्यों नहीं आ रहा मुझे समझ आ रहा था। मैंने अभी इसको अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल किया तो परमिशन मेरा सब कुछ सारी चीज़ें वैसे ही हो गई जैसा मेरा था, जहाँ तक कि मेरा लॉगिन भी एग्जैक्टली वैसे ही आ गया। तो आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो स्नैपशॉट मुझे ईमेल कीजिए या फिर फेसबुक के मैसेंजर में भेजिए, मैं देखता हूँ क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। आमिर अब्बास ऑफिशियल, इन्होंने लिखा है भाई अगर माइक्रोफोन ना करें सिलेक्ट तो खैर है, तो माइक्रोफोन अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर आपको आवाज़ नहीं देनी है तो आप माइक्रोफोन सिलेक्ट ना करें, अगर आपको आवाज़ आपके वीडियो के साथ डालनी है तो माइक्रोफोन सिलेक्ट कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ स्नैपशॉट के साथ अपनी प्रॉब्लम फेसबुक पे दीजिए या फिर मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। फुकरा, ये खैर काफ़ी है इंटरेस्टिंग नाम है, इन्होंने लिखा ब्लैक स्क्रीन क्यों होती है? तो ब्लैक स्क्रीन इसलिए होती है कि इन्होंने कुछ अभी अपने मैंने इनसे बात भी की थी और इनको बताया भी था कि भाई ब्लैक स्क्रीन आ रही है तो आप कुछ कीजिए, तो इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। तो देखते हैं कि क्या होता है, मैं इनकी टीम के साथ कांटेक्ट में हूँ, जैसे कुछ होता है तो मैं आपको बता दूंगा। अगला सवाल है सिंपल म्यूज़िक की तरफ से, इन्होंने कहा है कि प्रवीण जी इसमें आफ्टर स्क्रीन रिकॉर्डिंग 16:9 साइज़ कैसे फिक्स करें? यूट्यूब पर अपलोडिंग करने पर वीडियो फेल मतलब स्प्रेड हो जाता है। तो सिंपल म्यूज़िक, इन्होंने देखिए प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर मैंने देखा है कि रिजोल्यूशन आता है, FPS आता है और वीडियो का साइज़ क्वालिटी आती है, तो उसके अलावा ये जो स्क्रीन का जो रेशो वहाँ पर कहीं सिलेक्ट नहीं होता है। अगर आपके वहाँ की नेटवर्क अच्छा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 720 मतलब HD पर आप सारी रिकॉर्डिंग करें, लो लेटेंसी रख कर आप सारा जो भी रिजोल्यूशन भी ठीक ठाक रखें, तो मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है, खैर आपको अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ छोटी सी क्लिप बनाकर या स्नैपशॉट बनाकर मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ज़फ़र इकबाल, इन्होंने लिखा है सर इंस्टॉल के बाद ओपन नहीं हो रहा, जैसे दोस्त अभी मैंने बताया था मैंने अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ स्नैपशॉट ईमेल करें या फिर फेसबुक पर भेजें, फेसबुक पर भी फॉलो करना भूलना नहीं है। और गुलशन सैनी, इन्होंने लिखा है भाई ब्लैक स्क्रीन क्यों आ रहा है? जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैक स्क्रीन का अभी इनको प्रॉब्लम आ रहा है, ये कुछ इनकी अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि ये ऑटोमेटिक जो आपकी लॉक स्क्रीन है उसको कैप्चर करने लग जाता है और पूरा ब्लैक दिखा देता है। मैंने इनको लिखा था, देखे कब तक होता है, क्या कर सकते हैं। डोप नेपाल, इन्होंने लिखा है कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो हाउ टू लाइव गैलरी वीडियो इन यूट्यूब। इन्होंने फिर आगे लिखा है कि लाइक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग, तो मुझे लाइव गैलरी का समझ में नहीं आया कि लाइव गैलरी वीडियो क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा कुछ मुझे एलोबरेट कर सके बता सकें कि क्या चीज़ है तो मैं शायद कर सकूं। मुझे लग रहा है कि आप प्लेलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट जैसे आपके जो सॉन्ग्स की वहां पर लिस्ट आ जाएगी, तो अगर इस तरह की आप बात कर रहे हैं तो लाइव वाला तो कुछ होता नहीं है, क्या जो चीज़ आपके सामने दिख रही है वो देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट आप ज़रूर बना सकते हैं कि आपका पर्सनल है, आपका लिरिक्स वाला है, आप फलाना फलाना, इस तरह से आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का वहाँ पर ऑप्शन आता है, वो बना लीजिए। तो ये थे सारे क्वेश्चन, और भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने सवाल कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। और अगर आपको कुछ और पूछना है, कुछ और जानना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, तो दोस्तों अब मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।